भाई और बहनों, आपका प्रधान सेवक होने के नाते मुझे अनेक बार बिहार आने का मौका मिला है। जब ये जिम्मेदारी नहीं थी तब भी बहुत बार बिहार आया हूं। आज वाकई मुझे ये देख करके खुशी होती है कि नीतीश बाबू जैसे कर्मठ, शालीन, गरीब की चिंता करने वाले व्यक्तित्व ने कैसे बिहार को उस पुराने दौर से बाहर निकालकर एक नई दिशा दी है। जिस राज्य में इतनी प्रतिभा हो, जहां के नौजवानों में इतना सामर्थ्य हो, जो देश की ब्यूरोक्रेसी से लेकर राजनीति तक अपना सकारात्मक प्रभाव दिखा रहा हो, उस बिहार को एक घूमर से निकालने का काम नीतीश जी और सुशील जी की जोड़ी ने और यहां की एनडीए की पूरी टीम ने एक अद्भुत काम किया है। बिहार में एनडीए और केंद्र में भी एनडीए होने की वजह से आज यहां विकास की रफ्तार को नई तेजी मिली है। अब तो पटना में मेट्रो का काम भी शुरू हो चुका है। यहां की ट्रैफिक व्यवस्था अब सीएनजी आधारित होने वाली है। साथ में पटना के लोगों को अब पाइप के माध्यम से सस्ती और अच्छी गैस भी मिलने लगेगी। नीतीश जी ने नल से जल देने का बीड़ा उठाया है और अब पाइपलाइन से गैस का काम भी होने वाला है। ये पटना को स्मार्ट बनाने की प्रक्रिया को और गति देने वाला है। साथियों, ये जो बदलाव आ रहा है उसके लिए फिर एक बार नीतीश जी, सुशील जी और एनडीए की पूरी टीम अनेक अनेक अभिनंदन के अधिकारी है, अनेक अनेक बधाई के पात्र है। बिहार को अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्त कराने का संकल्प लेकर आप सभी ने मिलकर बिहार को जिस स्थिति से बाहर निकाला वो प्रशंसनीय है। भाइयों और बहनों, बिहार ने विकास की जिस रफ्तार को पकड़ा है वो और गति पकड़े, इसके लिए केंद्र की एनडीए सरकार ने निरंतर प्रयास किया है। कुछ दिन पहले ही बरौनी में 30,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। ये बिहार के विकास के लिए किए जा रहे निरंतर प्रयासों की एक और झलक है। साथियों, एनडीए की सरकार ये सुनिश्चित करने में जुटी है कि बिहार में विकास की पंचधारा यानी बच्चों की पढ़ाई, युवा को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसान को सिंचाई और जन जन की सुनवाई ये सुनिश्चित हो। इसी सोच के साथ बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। राज्य में एम्स, मेडिकल कॉलेज, आईआईएम या फिर उच्च और प्रोफेशनल एजुकेशन से जुड़े दूसरे संस्थान खोले जा रहे हैं। यह गांव और शहरों की सड़कों का, यहां के नेशनल हाईवे का चौड़ीकरण हुआ है। जो पुराने पुल है उनको सुधारा जा रहा है। नए फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, रेलवे की पुरानी व्यवस्थाओं में भी सुधार किया गया है, उनका बिजलीकरण हो रहा है। पटना रेलवे जंक्शन को नए रंग रूप में आप सभी देख ही रहे हैं। सड़क
और रेल के साथ साथ हवाई यात्रा को भी सुगम और सस्ता बनाया जा रहा है। पटना एयरपोर्ट को 1200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विस्तार दिया जा रहा है, आधुनिकीकरण किया जा रहा है, साथ में इसको उड़ान योजना से भी जोड़ा गया है। इतना ही नहीं, अब तो गंगा जी के माध्यम से बिहार को, यहाँ के उद्यमियों को देश के समुद्री इलाकों से जोड़ने का काम भी चल रहा है। इससे बिहार को लाभ मिलना शुरू हो चुका है। भाई और बहनों, परिवहन के साथ साथ बिजली और ऊर्जा से जुड़े दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। गांव गांव तक बिजली पहुंचाने का अभियान जो हमारी एनडीए सरकार ने चलाया है, उसका लाभ पूरे बिहार को मिल रहा है। सौभाग्य योजना के तहत हर गरीब के घर मुफ्त बिजली कनेक्शन देने का हम सफल हुए हैं, और मैं नीतीश जी को बधाई देता हूं। आज बिहार के हर घर में बिजली पहुंचाने का संकल्प पूरा कर रहे हैं। इसी तरह बिहार को पश्चिमी भारत और पूर्वी भारत के समुद्री किनारों को पाइपलाइन के माध्यम से जोड़ने का काम जोरों पर है, और यहाँ की रसोई को और यहाँ के उद्योगों को गैस आधारित बनाया जा रहा है। यही कारण है कि आज बरौनी के खाद कारखाने जैसे अनेक उद्योग फिर से शुरू हो पा रहे हैं। इस बिहार के युवा साथियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। साथियों, ये जितने भी काम मैंने गिनाए हैं, उनसे बिहार में उद्योगों के लिए एक बेहतर वातावरण बना है। साथियों, उद्योगों के साथ साथ हमारे अन्नदाताओं के लिए भी देश के इतिहास की सबसे बड़ी योजना पीएम किसान सम्मान निधि आज जमीन पर उतर गई है। इस योजना का लाभ बिहार के 1.5 करोड़ से अधिक किसानों समेत देश के लगभग 12 करोड़ किसानों को होगा। ऐसे किसान जिनके पास 5 एकड़ या उससे कम जमीन है, उनको बैंक खाते में सीधी मदद मिलनी सुनिश्चित हुई है। अभी की स्थिति के हिसाब से ही देश के किसानों को इस योजना के माध्यम से हर वर्ष प्रति वर्ष 75,000 करोड़ रुपए सीधे उनके खाते में जमा होंगे। कोई बिचौलिया नहीं, कोई दलाल नहीं, कोई चोरी करने वाला नहीं। अब उन्हें बीज, खाद, कीटनाशक, चारा जैसी जरूरतों के लिए किसी से कर्ज नहीं मांगना होगा। साथियों, चारे के नाम पर क्या क्या हुआ है, ये बिहार के लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। अब बिचौलियों से मुक्त सीधे बैंक खाते में पैसा जमा करने वाली ये प्रभावी योजना एनडीए सरकार ने, आपके इस चौकीदार ने, आपके इस चौकीदार ने शुरू की है। ये जो लूट खसोट, बेनामी प्रॉपर्टी,
और बिचौलियों की संस्कृति और बिहार और देश की राजनीति में दशकों से सामान्य हो चुकी थी, इसको बंद करने की हमने हिम्मत दिखाई। गरीब और मध्यम वर्ग के हक और पसीने की कमाई पर जो अपनी दुकानें चला रहे थे वो अब चौकीदार से परेशान है, और इसलिए चौकीदार को गाली देने की कंपटीशन चल रही है। आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है।